हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शर्मिष्ठा। आज मैं आपके साथ एक वेज रेसिपी शेयर करूंगी और वो है गोभी रोस्ट। अभी ठंडी के मौसम में गोभी बहुत ही अच्छा मिलता है। इस टाइम पे अगर हम गोभी से कुछ डिश बनाते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। आज मैं गोभी के इस रेसिपी को एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। घर में जो इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल होता है उससे ही मैंने इसे बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप अगर इस तरह से ये डिश बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, पार्टी है या फिर कोई स्पेशल डे है आपके लाइफ में, उस दिन भी आप इसे बना सकते हैं। आपका स्पेशल डे और भी स्पेशल हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी रोस्ट बनाने के लिए एक छोटे साइज के गोभी को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लिया है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 7-8 काजू और 1 टेबल स्पून खसखस का मैंने पेस्ट बना लिया है। दही लिया है 1/2 कप, इसको अच्छे से फेंट लिया है। लगेगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और चीनी 1 टीस्पून। इसके साथ मैंने 10 बड़ा काजू लिया है गार्निशिंग के लिए और 2 हरी मिर्च लिया है फ्लेवर के लिए। खड़े मसाले में लगेगा 1 तेज पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 2 हरी इलायची। और ये डिश मैं बनाऊंगी रिफाइंड ऑयल में। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल और घी दोनों में ही बना सकते हैं। सबसे पहले मैं गोभी को मैरिनेट करूंगी, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक का पेस्ट, खसखस और काजू का पेस्ट, दही, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अब सारे मसाले के साथ गोभी को अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट बाद मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। तेल गरम होने के बाद सबसे पहले मैं काजू को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। काजू हल्का सा फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब उस सेम ऑयल में मैं ऐड कर दूंगी तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची और लौंग। 10-15 सेकेंड्स इन्हें तेल में फ्राई करना है, उसके बाद मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ गोभी ऐड कर दूंगी। अब गोभी को लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है। इसमें जो मसाला है, मतलब जो ड्राई स्पाइसेस है और दही है, काजू है, सारे कच्चा है। इन सबको लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाना है ताकि किसी का भी कच्चा स्मेल जो है वो ना रहे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं। ये देखिए 10-12 मिनट इसको फ्राई करने से ही मसाले से तेल अलग होने लगा है। तो बस अब इसमें जैसा आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करना है, लेकिन गरम पानी ऐड करना है। मैं जिस बर्तन में गोभी को मैरिनेट किया था उसमें पानी ऐड करके इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा भी मसाला वेस्ट ना हो। 1/2 कप पानी मैंने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि ये जो डिश है ये थिक होता है, ज्यादा ग्रेवी इसमें अच्छा नहीं लगता है। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून चीनी और स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर दूंगी अच्छे से सब कुछ। और अब मैं इसमें 2 ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दूंगी फ्लेवर के लिए और इसे ढक के लो फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक गोभी अच्छे से कुक ना हो जाए। 12 मिनट हो गया है, अब मैं ढक्कन खोल रही हूँ। ये देखिए ग्रेवी ने तेल अच्छे से रिलीज किया है और गोभी भी अच्छे से कुक हो गया है। ये डिश ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में मैं इसमें फ्राई किया हुआ काजू को ऐड कर दूंगी और ऐड कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। फाइनली सब कुछ एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे ढक के गैस की फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रखूंगी। 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना बढ़िया है, देख के ही लोगों को पसंद आ जाएगा। और खाने का जो टेस्ट है वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। और इसे आप रोटी, पराठा, नान, कुलचा और राइस में प्लेन राइस, फ्राइड राइस, पुलाव किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा और बनाना भी बहुत सिंपल है। आपने देखा, जस्ट गोभी को मैरिनेट करना है और लो फ्लेम पे पकाना है। तो आप मेरा वीडियो फॉलो करके इसे जरूर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये डिश कैसा लगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।